देगा एकदम डाले तक भर देगा आज डाले तक ही बस डाल के ऊपर एक चाव लगेगा बस एक चाव बस थर की मजा आ जाएगा बस एक चाव आओगा डाल के ऊपर बस ज्यादा नहीं सही करेंगे टाली बहुत अच्छी भरेगी हाँ आ रहे प्रैक्टिस है भाई ये लो गदा गद भाई वाह साथियों नमस्कार स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल श्रीवास्तव फेसबुक पेज पे। तो भाइयों पिछली दो वीडियो मैंने अपने खेत की बनाई नौकर के बिना आपका भजीता तो चल ही रहा पर वीडियो जैसे डाल ली थी तो एक हमारे शुभचिंतक किसान मिले जिन्होंने भाइयों आज अपनी जो है लेबर ठेकेदार आज हमारे शोल में भेजे हमारे पास के गाँव मवी मीरा से नईम जी ने कि भाई एक आठ ट्रॉली की मदद हम करवाओगे कोई दिक्कत नहीं जितने गेहूँ बोरे इतनी ज़्यादा दिक्कत है। तो आज भाइयों ये ठेकेदार आए यहाँ पे और एक दिन में एक ट्रॉली गन्ने छोल दाए और है लखीमपुर खीरी से ठीक है जी। तो अपना आज एक और ट्रॉली हो जाएगी और ये छः बीघे के नंबर में इसमें छोल चल रही और लगभग मेरे हिसाब से इसमें चार ट्रॉली जाली और चार से पाँच ट्रॉली गन्ने और होंगे इसमें लगभग। तो एक खेत में ही गेहूँ बोने बस इसमें एक में बो दी हमने छः साढ़े पाँच बीघे गेहूँ और ये छः बीघे से कुछ ज़्यादा ही हुआ है थोड़ा सा तो गेहूँ ज़्यादा नहीं रखने के ये रखेंगे। तो ये भी लगभग मुझे लगा तीस तीस पुड़ी बना दा है जी अभी है ना तीस पुड़ी बना दा भाई हैं क्या बता रहे कितनी पुड़ी बना दा भाई दिन भर में दिन भर में पचास पुड़ी बनाता हूं। तंती दिखाई प्रॉपर्टी अरे ये तो दंती भी तुम नए स्टाइल की ले रहे। तो भैया कहाँ से है तुम लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी से मतलब ये मान लो कि तीस पूड़ी में कितने कुंटल गन्ने मानना है तीस पूड़ी में बारह कुंटल हाँ बारह कुंटल हो बारह कुंटल एक आदमी छोलता है और घोड़ा नहीं बांधते तुम्हें घोड़ा नहीं बांधते घोड़ा ऐसे खिंडा दो 45 कुंटल रोज का छोलते हैं। अच्छा अच्छा ट्रेंच में ट्रेंच में चाहिए शादी में भी छोल दो अगर कोई बुलावा और क्या। अच्छा तो क्या नाम है सतीश सतीश और ये दूसरे का ठेकेदार का मुकेश इसका भाई का नाम मुकेश है देख लो। और भाइयों क्या नाम भाई मुकेश मुकेश अच्छा अच्छा लखीमपुर से ही हाँ लखीमपुर से। अच्छा अच्छा तो भाइयों देख लो ये छुलाई करी इन्होंने और इनके पीछे तो देखो घोड़े हमें भी मोल के लेने पड़ रहे। तो इस खेत में मैं दिखा दूँ आपको पोगे बहुत है थोड़ा सा हमें छुलवाने में इसमें समस्या यही आई कि देखो इन्हें गन्ने से मतलब है किसान को अपना न्यार भी चाहिए जो छुलाई वाले रहे तो इन्होंने पोके काट काट के ऐसे ही घेर दिए पत्ती में से मुझे छाटने का काम और बढ़ गया मैं भी दो घंटे से लग रहा ये घोड़े बांधे सारे के सारे देख लो एक ट्रोली कांडे छुलवा के इधर तो मेरे से ही करवा दोगे भाई ना तुम तो है जो आगे को बुलावा ही ना कोई ऐसा घोड़ा खिंडा दिया तुमने अगोड़े का कोई फायदा नहीं ये देख लो भाइयो ये बता रहे कि अगोड़े का कोई करना ही नहीं ना कुछ भी तो अपने चुक चुका के बांधे जी दो तीन दिन का न्यार तो हो जाएगा अपना डंगरों का। तो ये देख लो जी आज ही ट्रोली कर देंगे तो अभी भरेंगे अपना ट्रोली भी तीसरा इनका वो यो बन रहा ठीक है जी यो कुछ सेड़ा इसकी स्पीड कम भी है और यो मुझे कुछ हराम भी था भी लगा ये देख लो जी पक्के वाला है जी वो तो दिलदार का पौवा मांग रहा था मेरे साथ तो ही। तो ये देख लो जी ये हालत है ठेकेदारों की भी तो भाई ट्रोली भरनी शुरू कर दी और अपनी पुड़िया के लिए ठा लाए देख लो कमाल ठेकेदारों को उसी हिसाब की बांध रखी इन्होंने तीन आदमी है मुश्किल से कह रहे 40 से 45 मिनट लगेगी जी ये देख लो जी खेत में इसमें जबरदस्त तो बोर आया था जिस वजह से ठुन ठोरे बिल्कुल देख लो गन्ने भी एक मड्डेम मुश्किल से चार गन्ने एक कर जुड़ना लग रहा ट्रेंच का है कहीं को खुल भी रहा नहीं 0238 बिल्कुल खराब हो रहा था खेत में तो और लागत भी बहुत ज्यादा आई इसमें खेत में ये देख लो जी चला भाई आगे करना होगा घूमी लाकर हाँ हाँ इनके से परे को मोड़ दे इस पत्ती पर ले लिया भैया घोड़ों से परे को लेकर पहले में ही हाँ हाँ अरे कैसा कर रहा गेरे बैक है वो नहीं पीछे ही
साइड ब्रेक ले यार, ऐसा कर रहा। अल्लाह है खेत भी। चल अरे पत्ती बता परे को कर ले। ठीक है बस बंद कर दे। कंधे पे सही जा रही। ये देख लो जी, भारी है। ये देखो जी, अब इस पुली को दिखाऊंगे ठाते भाई, उनकी कलाकारी है ठाणे की। देख लो जी, इधर नीचे तार के देखे भाई एक बार, कैसा कह रहेगा देखे कह के गुड़ी। ये जमाने का काम है भैया, जमाने का ही काम है ये सब, जमाने के काम पर चल रहा है बोझ। हाँ एक एक बोझ तो भी उठा रहे हैं देखे। हाँ डरो, टाइट करके बांध रखी वैसे तो इन्होंने, जूने बहुत टाइट है। हाँ ये देख लो जी, मका वीडियो वहीं पहुंच जाएगी आज लखीमपुरी। चलो बहुत अच्छी बात है, पहुंच जाएगी भाई। मैडम देखेगी आज बिल्कुल, कैसे कैसे कमा रहे, कैसे पैसे कमा रहे, कैसे फांदी लगा रहे हैं। ठीक है ना। कैसे फांदी क्या हो, फांदी क्या लगा रहे, फांदी क्या हो, फांदी है पूरी। अच्छा पूरी बोली, फांदी बोली। अच्छा थारे यहाँ फांदी बोली जा, चला भाई लखीमपुर खीरी में फांदी बोली जा, दियो फांदी बोली जा बड़ा थारी की भाई। ये देखे तुम्हें सारे छुट्टी हो रहे भैया इसमें तो, ये देख लो जी पीछे से खत्म है पूरी। 38 का मामला खराब हो गया, 38 तो मारा निकल आया ना, 3 बजे का 8 बजे मजा आ रहा था पूरा। तो भाइयों देखो, ठेकेदारी की सोल में मैं बता दूं आपको, फायदा तो यो है पैसा फेंको तमाशो देखो वाली बात है, एक तरफ खड़े रहो, जंजीर वंजीर खींच के बिल्कुल फिट करके आपको ट्रॉली देंगे। ठीक है जी, ये देख लो जी। अरे नीचे कर दे पर, बस बस यहीं बंद कर दे, मैं कर लूंगा फिर, पहले घेर लो तुम तो यहां तक की घेर लो, फिर बैक करके कर दूंगा। पर घरांटे काट रही पूरी। अच्छा ठीक ठीक, चौदना बनाओ यार। ये थारे यहाँ क्या भाषा होगी भाई, हमारे उत्तर प्रदेश ही लगे यहाँ तक तो लखीमपुर खीरी, हमारा भाषा और थारे यहाँ तो भाषा पूरा उसकी होगी जैसे मध्य प्रदेश की हो। मध्य प्रदेश का तुम्हारे है पुली, हमारे है फांदी, फांदी। हाँ यही तो कह रहा मैं, फांदी 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 है भाई, जैसा के लिए ठारे प्रैक्टिस पूरी हो रही। हाँ तो क्वार्टर मारा करो क्या ना। क्वार्टर की बात भाई लुप्त हो रही है थोड़ी सी, वैसा कटाटपन तो इनका जब भी उतरा है। हाँ बिल्कुल शरीफ है ये, वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है।
दारू पी लेते हैं दवा के लिए। दारू दवा के लिए पीते हो? हाँ, सारा जो पूरी ठारे सारा कड़ाटपन दूर हो जाएगा। हाँ, दवा के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाइयों, आपने पहले ट्रोली देखी होगी हमारी अपनी छोल की, और ये ठेकेदारों की छोल की ट्रोली है, बिल्कुल डाल लो ताकि भर दी इन्होंने। अब गन्नों का तो पता चलेगा कितने कुंटल होंगे, मेरे हिसाब से 35-36 कुंटल गन्ने होंगे। ज्यादा कचरा कि भाइयों 0238 की कहानी अब यहाँ तक आ गई कि इतनी लागत, मैंने इसमें 5 तो स्प्रे कर रखे जी, RMD इसमें चलवाई थी तो बोर से खेत बिल्कुल खत्म हो गया था जी। तीसरी पिड्डी इसमें आ गई थी, जम पैड मायर पता नहीं कितनी महंगी महंगी दवाई लगाई। उससे बाद में भाइयों ये गन्ने की कंडीशन देख लो जी, ठीक है जी, आपका खूब जोर लगा के देखे, कोई ऐसा ही नहीं। और दूसरी चीज ये है, अगर इतनी लागत किसान लगा होगा, अगर आप देखो रेट 350 रुपये का है, 50 रुपये तो आपके ऊपर चले गए छुलाई के, ठीक है जी। जो ऐसे किसान ज्यादातर ऐसे ही ले रहे, कोई हमारे तरह तो ना कोई कर रहा, सब ठेकेदारी की छोल चल रही है, नौकर लग रहे जिस तरह से भी, लेकिन खर्चा आवे किसान कहीं ना कहीं उसे देख नहीं रहा। तो 50 रुपये कुंटल की छुलाई होगी, उससे अलग आप अगर देखोगे तो 25 रुपये का भाड़ा पड़ा है जी, खूब बढ़िया अगर किराए पर गिरवा रहे जो कोई, तो 75 रुपये तो इसमें से निकल गए जी। बाकी की अगर लागत देख लो तो आज के समय में गन्ने की खेती बिल्कुल घाटे का सौदा है किसान के लिए, कोई इसमें लाभ नहीं है। तो हम तो अब की बार में घटाऊंगे जरूर गन्ना, और गन्ना घटा के एक का खेत भी अगर किसान सुधारेंगे तो इतने वैरायटियों का जो भी चयन हुआ है, कुछ सामने 13-235 की बुआई करेंगे देख लो, गेहूं की कटाई के बाद की बुआई है और शानदार खड़ा, कोई लागत नहीं लगाई, एक स्प्रे नहीं इस खेत में, ना नीचे से कोई डाल दी। तो एक का खेत हमें धान कर लेंगे, ज्वार बोलेंगे या उससे बाद में सरसों बोलेंगे, तो उसका सुधार फसल चक्र हो जाएगा और उसका किसान को लाभ भी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं दूसरी फसल से भी पता चल जाएगा कि क्या कुछ अब दोनों लाने लगे जी इकट्ठे होकर। तो भाइयों ये है गन्ना किसान की हकीकत, क्योंकि जब हम किसी किसान का अच्छा निकाट दिखा रहे तो इस तरह की वीडियो भी होनी चाहिए, ताकि ऊपर तक पता चले कि किसान गन्ने का किसान जो है कितनी बचत कर रहा। और उससे ऊपर सामली मिल की हालत देख लो आप, कितने दिन तक किसान बेचारे वहाँ बैठे रहे। और इधर मोदीनगर देख लो, चाहे मिलकपुर देख लो, चाहे बजाज के सारे ग्रुप है भाई साहब, बिल्कुल घटतोली भी और पेमेंट के मामले में भी बिल्कुल घटिया है। तो मेरे हिसाब से गन्ने की खेती बहुत बड़ा घाटे का सौदा किसानों के लिए है। कोई भी किसान तो मतलब सभी हमारे एक आधे मिल को मान लो कि जो अच्छा है पेमेंट के मामले में, बाकी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इस कंडीशन में आ गए किसानों के सामने समस्या आई जाती है। जो किसान का बालक भाइयों कहीं सरकारी नौकरी पे है, बाहर नौकरी पे लग रहा, उनका गुजारा ठीक मान लो आप, या फिर बड़े किसान का, लेकिन मध्यम और नीचे के किसानों की हालत खराब है, खेती में गुजारे नहीं हो रहे, इसी वजह से कहीं ना कहीं खेती को छोड़ रहे किसान, ठीक है जी। एक तो करने का मुद्दा हो गया कि कोई करना नहीं चाहता, करना इसलिए नहीं चाहता कि बचत नहीं, तो ये सारी कंडीशन है भाइयों। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताइयो। बाकी का रेट का भी कोई पता नहीं, पर्चे पर तो डला नहीं, बाकी पता नहीं कुछ बढ़ा है ना बढ़ा है, 24 आ रहा, चुनाव भी है, पिछले साल कोई पैसा नहीं बढ़ा।